हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट। और आज हम अपने संख्या पद्धति का पार्ट टू लेके आए हैं आप सबके सामने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का पार्ट टू, जिसमें हम जानेंगे कि दशमिक संख्याओं का प्रसार कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, और दशमिक संख्याओं को हम कैसे भिन्न या फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दशमिक जो प्रसार होता है, दशमिक संख्याएं क्या होती हैं। जो हमारी दशमिक संख्याएं हैं, दशमिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पॉइंट में आती हैं, दशमलव में आती हैं, मतलब जिनके हर को हम 10 या 10 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। दशमिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जिनके हर को 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। जैसे 0.5 है तो इसको हम लिखते हैं 5/10। क्या 10 की पावर 1 के इसको रूप में लिख दिए हम। 0.6 है तो इसको लिखते हैं 6/10। कहीं लिखा है 0.78 तो इसको हम लिखते हैं 78/100। तो इसको 100 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 2, है ना। तो दशमिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके हर को हम 10 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये दशमिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दशमिक संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करें तो जो दशमिक संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जो पहली दशमिक संख्याएं हैं ये होती है हमारी शांत शांत, ये ऐसे शांत रहेगा, शांत दशमिक संख्याएं। और दूसरा होगा अशांत दशमिक, अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं। अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं। दशमिक संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की। एक होगी शांत दशमिक संख्याएं, दूसरी होगी अशांत दशमिक आवर्त दशमिक संख्याएं, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ये जो शांत दशमिक संख्याएं होती हैं, इसकी अगर हम डिफिनेशन के बारे में बात करें तो वे दशमिक संख्याएं जो भागफल की एक निश्चित प्रक्रिया के बाद शेषफल शून्य आ जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा 2/5, अगर आप 2/5 में 2 में अगर 5 से डिवाइड कराएं, भाग कराएं, तो 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 4 20, और ये हो गया, पूरा पूरा कट गया। दशमलव के बाद शांत का मतलब अब दशमलव आगे नहीं बढ़ेगा, दशमलव के बाद संख्या, एक निश्चित भाग की प्रक्रिया के बाद शेषफल 0 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद ये इसका भागफल कहीं ना कहीं जाके इसका अंत हो जाएगा। तो ये कैसी संख्याएं होंगी, शांत दशमिक संख्याएं, ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर देखते हैं अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं। आवर्त का मतलब होता है रिपीट होना, पुनरावृत्ति होना। तो अशांत आवर्त दशमिक संख्याओं में क्या होता है, अगर इनकी परिभाषा लिखेंगे
तो इसमें होगा वे दशमिक संख्याएं, वे दशमिक संख्याएं जिनका जिनका भागफल अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जैसे आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे 1/3 आपने देखा होगा, 1/3 लेते हैं तो 1/3 है। उदाहरण इसका देखिए तो 1 में अगर हम 3 से भाग कराएंगे, क्योंकि जो भिन्न होती है उसमें अंश में हर से भाग कराते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, आ जाएगा 1। पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, इसे आगे बढ़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 बार। जो नंबर बढ़ता रहता है लगातार, उसके लिए हम लिखते हैं बार, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कभी कभी इसमें ऐसे भी जो है इसकी जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, ऐसे भी होता है, मतलब कोई एक डिजिट आ जाता है उसके बाद से पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, 4 4 4, ऐसा भी होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका जो शेष, जिनका भागफल है दशमलव के बाद उस भागफल का अंत नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अशांत दशमिक आवर्त दशमिक संख्याएं, अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं, ठीक है। अब बात करते हैं ये अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें जो हमारा पहला आता है शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या, दूसरा हम कह सकते हैं अशुद्ध या मिश्रित, अशुद्ध या मिश्रित आवर्त दशमिक संख्या, आवर्त दशमिक संख्या। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इन दोनों के बारे में, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या और अशुद्ध मिश्रित आवर्त दशमिक संख्या। इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और इसे भी कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में हम आप विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या और अशुद्ध मिश्रित आवर्त दशमिक संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या क्या होती है। इसके लिए आप सबसे पहले इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ चलें और इसको इरेज कर सकें। तो अब हम आगे देखते हैं शुद्ध आवर्त संख्या, शुद्ध अशांत आवर्त संख्या। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या क्या होती है? तो शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या जो है, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं, इसमें वो संख्याएं आती हैं दशमलव के बाद यदि अन्य किसी संख्या या अंक के आए बिना, अन्य किसी
संख्या या अन्य किसी संख्या या अंक के आए बिना यदि पुनरावृत्ति हो। जैसे कि आप इसमें जानेंगे 0.33333, 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। दूसरी चीज़ 0.464646, इसे क्या लिख सकते हैं 0.46 बार, क्योंकि इसमें 46 का रिपीटेशन हो रहा है। 0.10.5252, तो इसको क्या लिखेंगे 10.52 बार। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा है, जो रिपीट होने वाले नंबर हैं वही आ रहे हैं तुरंत, मतलब 4, 6 जो है दोनों रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए इनके पहले कोई और नंबर नहीं आ रहा है। तो ये संख्याएं कैसी होंगी, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या होगी। ठीक है, शायद शुद्ध अशांत आवर्त नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम इसको यहां से लिख देते हैं, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन ये हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या को हमको भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो भिन्न में बदलने के लिए जैसे यही नंबर है मान लीजिए हमारा 0.3, इसको अगर हमको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने का रूल आप जान लीजिए। सबसे पहले पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है इसको लिख देते हैं, तो ये क्या लिखा है 3 लिख दिया हमने। अब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके उतने हम 9 नीचे लिख देते हैं, तो 3/9। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1/3 आ जाएगा। जैसे अगर इसको हमको लिखना हो किसमें, अगर इसको भिन्न में बदलना हो, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 46 ऐसा लिख दिए। कौन कौन सा नंबर, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 4 और 6 दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कितने 9 नीचे लिख देंगे, 99 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसे हम लिख सकते हैं 10+0.52, ये भी तो शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 10+52, कितनी कौन कौन से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कहेंगे 5 और 2, तो 9 लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 होल 52 अपॉन 99, मतलब 10 सही 52/99। ठीक, तो ये ऐसे हम इसको भिन्न में बदल लेंगे। जो क्वेश्चन आता है भिन्न में चेंज करने के लिए वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे इससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आप देखिए यहाँ पे, जो है हमारा एक क्वेश्चन ये है 0.037, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको इसको बदलना है, इसको चेंज करना है 037, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना होगा तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऊपर बार पूरे में है। ठीक, इसको करने के लिए आप बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, कैसे बदलेंगे, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम 0.037 जो है इसको 37 अपान, अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, शुद्ध आवर्त जो है, शुद्ध अशांत आवर्त दशमिक संख्या है, शुद्ध है, मिश्रित नहीं है, तो इसको हम 37 अपान कितने नंबर पे, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर पे जो है बार लगा है, तो आप कहेंगे 3 नंबर 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पे 9 लगा देंगे। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 37 1 जा 37 और 37 2 जा 74 और उसके बाद ये जाएगा 27 टाइम, तो
तो इधर हम इसको लिखते हैं अंडर घनमूल के अंदर 1/27। अब बताइए ये इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो इसको आप लिख देंगे 1 × 1 × 1, 1 का ट्रिपलेट बन गया, और इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, इसका भी ट्रिपलेट बन गया। तो इसका फाइनल आंसर जो आया वो आया 1/3, ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर चलते हैं अब आगे, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा शुद्ध अशांत और दशमिक संख्याएं, और अब इसके बाद हम देखेंगे अशुद्ध या मिश्रित अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम समझने चल रहे हैं अशुद्ध या मिश्रित, अशुद्ध या मिश्रित अशांत आवर्त दशमिक संख्या। दशमिक संख्या इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद जो अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनमें उनके पुनरावृत्ति होने से पहले कोई ना कोई और डिजिट आ जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इन संख्याओं में दशमलव के बाद तुरंत अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तुरंत अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 0.5222 ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.52 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 2 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। फिर 0.3111 ऐसे बढ़ता रहे अगर, तो इसको लिख सकते हैं 0.31 बार। अगर कहीं लिखा हो 5.422 .. तो इसको क्या लिखेंगे, 5.42 बार, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो आएंगी उसे हम कहेंगे अशुद्ध या मिश्रित अशांत आवर्त दशमिक संख्याएं, ठीक है। अब अगर इसको जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव या एकेडमिक एग्जाम में, वो इसको भिन्नों में बदलने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको भिन्नों में बदलना चाहते हैं तो इसका रूल आप समझ लीजिए, पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहता है, जब आप अशुद्ध या मिश्रित अशांत आवर्त दशमिक संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहता है उसको पूरा पूरा लिख देते हैं, और उसके बाद जो नंबर के ऊपर, जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, ठीक है, अपान लिखते हैं। जितने के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखते हैं, तो एक नंबर के ऊपर बार लगा है इसलिए 1 9 लगा देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब 52 से अगर 5 को घटाएंगे तो 47 आ जाएगा, और 47/90 चेंज हो गया, ये हमारा जो ये हमारी अशुद्ध मिश्रित अशांत और दशमिक संख्या थी ये भिन्न में चेंज हो चुकी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये 0.31 बार, अगर आपको आपसे ये कहा जाए कि आप इसको भी भिन्न में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो आप देखिए इसको 31 है, इसमें से आपको 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो 3 नंबर है, ये जो 3 लिखा है इसके ऊपर बार नहीं है, टोटल पॉइंट बार, सबसे पहले जो टोटल नंबर रहता है उसको लिख देते हैं, 31 हो गया, ठीक। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपान जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतना 0, और जितने के ऊपर नहीं लगा है बार
जितने के ऊपर बार लगाए उतने 9 होंगे और जिनके ऊपर बार नहीं लगाए उतने 0 होंगे। तो 31 से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28 आ जाएगा और नीचे 90 रहेगा। ये भी 2 से कटेगा भी तो 2 14 जाए और ये हो जाएगा 45। तो 14/45 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और अब हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, मतलब भिन्न में। भिन्न को ही इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 + 0.42 बार, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम अगर ऐसा लिख दिए हैं, अब देखिए 5+, इसको तो आप बदल ही लेंगे भिन्न में, तो लिखेंगे 42 - 4, कितने किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 4 के ऊपर, तो 4/, कितने के ऊपर बार लगा है, 1 डिजिट के ऊपर, तो 9। फिर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगाए, तो 1 के ऊपर, तो 0, ठीक है। तो 5 को 5 रहने दीजिए, 42 से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38/90। अब इसको काट भी सकते हैं तो 19 बार जाएगा और ये 45 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं 5 whole 19/45, ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप अब आप जो है चाहे वो शुद्ध मिश्रित अशांत आवर्त दार्शनिक संख्याएं आए, चाहे वो अशुद्ध या मिश्रित अशांत आवर्त दार्शनिक संख्याएं आए, उनको आप भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और अगर आपको शांत, जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप शांत आवर्त दार्शनिक संख्याओं को बदलेंगे तो वो तो बहुत इजी होता है। देखिए जैसे जिसमें लास्ट में कंप्लीट हो जाता है, जैसे कहीं लिखा हो मान लीजिए 5.2, तो इसको तो आप बदल ही सकते हैं, तो बहुत छोटी चीज़ है ना, इसको 52/ जहाँ लगा हो, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पहले 1 लिख देंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे, तो 10 हो गया ना। मतलब जो पॉइंट है 52 पूरा नंबर लिख देते हैं, पॉइंट जो है नीचे 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा के इसको हम पॉइंट हटा देते हैं, किसमें, शांत आवर्त दार्शनिक संख्याओं में। और अशांत मिश्रित और शुद्ध मिश्रित अशुद्ध मिश्रित बाकी सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा और आप हमारा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तब अगले वीडियो जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।